एनसीईआरटी को फॉलो करके मैथ का सारा सिलेबस 2 महीने के अंदर कवर किया है, और वो भी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन। बताइए स्ट्रेटेजी को अगर आप 2 महीने भी फॉलो करते हो तो मैं डैम श्योर कहता हूँ आपके आने वाले 2 महीने के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। और मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि मेरा मैथ का सारा सिलेबस कल ही कंप्लीट हुआ और मैंने ये सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया। कौन है ये लोग? और अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने 2 महीने के अंदर अपना मैथ का सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट किया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दी है जो आपके मैथ के सिलेबस को जल्दी कवर करने में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, तो वीडियो पूरा देखना। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जिससे मेरे आने वाले 2 महीने के अंदर ही मेरा मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहली टिप्स है कि आप कंसिस्टेंट रहना हो। कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपका मैथ जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। ये नहीं है कि आज मैथ सॉल्व की तो कल ब्रेक ले ली। आपको लगातार मैथ्स को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे आप आधा घंटा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी टिप्स है, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसे सॉल्व करना कि अगर आपको कोई आधी रीड से भी उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहे, आपके दिमाग में वो रटा हो। तो लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं जो सबसे इफेक्टिव टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। मैंने मैथ की बुक में एक ऐसा टेबल सा बना दिया अपने इंडेक्स में जिसपे मैंने मार्क कर दिया है कुछ फिगर्स लाइक ट्राइंगल फॉर ट्रिकी क्वेश्चन, सर्कल फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कम इन एग्जाम, एंड लास्ट स्क्वायर विच फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको भी ऐसा करना है कि मैंने कोई चैप्टर को पकड़ा और उस चैप्टर को सॉल्व करने के बाद उसकी एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने स्क्वायर कर दिया, जो ट्रिकी क्वेश्चन है जो बहुत ही पजल टाइप है उनको मैंने ट्रायंगल कर दिया, और जो हायर चांसेस है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको सर्कल कर दिया। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जब इसको मतलब कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले होंगे तो आपको क्या करना है, आपको बस इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनके मैंने इंटरव्यू देखे हैं, वो मैथ के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो पूरी मैथ की बुक को बार बार सॉल्व नहीं करते। मैंने कुछ क्वेश्चन को पिक किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको भी अपना सिलेबस 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ट्यूशन को ज्वाइन किया है, तो इसका आंसर है कि मैंने कोई ट्यूशन ना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। मैंने सिर्फ यूट्यूब से जो भी हेल्प ली बस वहीं से मैंने अपना सारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया। और अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या मैंने जो डिलीटेड क्वेश्चन है उनको कवर किया। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक बेसिक स्टूडेंट हूँ तो मैंने जो डिलीटेड क्वेश्चन है उनको कवर नहीं किया। ये बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में, क्या मैंने कोई रेफरेंस बुक बाय की है मैथ के लिए। तो मैंने आपको बताया कि मैंने एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक बाय किया हुआ है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। मैंने साइंस और मैथ का एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक बाय किया है। अगर आपको भी बाय करना है तो मैं उनकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि मैंने क्या एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसका आंसर है यस, मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ साथ एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया। यस, इसका आंसर भी यस है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल को सबसे पहली प्रायोरिटी दी क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या मैंने अपनी रेफरेंस बुक जो एडुकार्ट की है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली है। तो उसका आंसर है नो, अभी तक मैंने कंप्लीटली सॉल्व किया। अभी 3-4 चैप्टर को मैंने सॉल्व किया है, वो भी अच्छे से नहीं किया, अभी उनका थोड़ा थोड़ा रहता है पोर्शन। तो अभी इसके बाद मैंने जो एनसीईआरटी है एक और बार फिर से रिवाइज करूंगा, उसके बाद लास्ट में मैं रेफरेंस बुक को पूरा सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं सैंपल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ूंगा। मेरी बात की तो यही स्ट्रेटेजी अभी तक, और मैं डैम श्योर हूँ अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को आगे तक यूज करूंगा तो मेरे मैथ में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो मैं डैम श्योर हूँ आपके भी काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी मेरी पसंद आई होगी और आप भी आने वाले 2 महीने के अंदर अपना मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। और फिर रेस्ट ऑफ द मंथ्स हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, और मैं आपकी हर तरफ से मदद करता रहूंगा। जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए लाऊंगा वो जरूर। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल लेटर।